अभी मैं जंगल के अंदर आया था, बट यहाँ पे देखो मुझे हड्डियाँ दिखने लग गई हैं गाइस। कपड़े भी दिख रहे हैं, ये देखो गाइस किसी के कपड़े दिख रहे हैं। जब बाघ ने खींचा होगा ना, कुछ हुआ होगा एक्टिविटी, तो उस चक्कर में क्या पता कपड़े वपड़े फट गए हों, कुछ भी हो सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ मैनईटर टाइगर के एरिया में, जहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले भी कि अटैक होते हैं। गाइस आने से पहले ही मुझे यहाँ पे देखो हड्डियाँ दिख गई हैं, ये देखो गाइस। अभी मैं जंगल के अंदर आया था, बट यहाँ पे देखो मुझे हड्डियाँ दिखने लग गई हैं गाइस। ये देखो गाइस देख रहे हो आप हड्डियाँ इन जंगलों में, ये देखो गाइस समझ सकते हो कि ये देखो गाइस तो गाइस आप समझ सकते हो कि इस जंगल में कितना ख़तरनाक होगा। ये देख दो गाइस, तो यहीं से अब हम सीधे चलते हैं गाइस आगे को, और आप लोगों को अभी दिखाएंगे आगे को क्या क्या होता है, क्योंकि भैया जंगल है, बहुत ख़तरनाक जंगल है। आप लोगों ने देखा ही होगा थोड़ा सा आगे जाके मुझे हड्डियाँ दिखने लग गई थी, और ये देखो थोड़ा सा और आगे आया तो मैं यहाँ पे भी मुझे हड्डियाँ दिखने लग गई। तो गाइस समझ सकते हो आदमखोर बाघ के इलाके में आया हूँ, तो डेंजरस लोकेशन में आया। पीछे से देखो मेरे कॉलिंग की आवाज़ें भी आने लग गई हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से अभी फटाफट किसी बढ़िया लोकेशन में चलते हैं। बढ़िया कुछ नहीं होता है जंगल के अंदर, बाकी आप देख लो जंगल कितना हरा भरा है। कोई भी लोकेशन होती है ना वो ख़तरनाक ही होती है, क्योंकि आदमखोर बाग का इलाका जहाँ पे मेरे को हड्डियाँ दिखी थी वहाँ पे थोड़े हल्के कुछ एक्टिविटी टाइप की लग रही है। तो गाइस थोड़ा मैं ना आगे पीछे को चलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे तो कुछ हो रहा है। बढ़िया गाइस अभी समझ में नहीं आ रहा, इसको चलते हैं। गाइस मैंने आपसे हमेशा बोला है कि बाघ ऊपर पेड़ों में भी बैठे रहता है, तो वो देखना पड़ता है। तो आपने देखा होगा यार, जंगल के थोड़ा सा अंदर आके ही मुझे हड्डियाँ दिखने लग गई थी। हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं यार, अब समझ भी नहीं आ रहा कि आवाज़ें किस चीज़ की हैं। और बाकी यार रास्ता जंगल का आप लोगों को बताइए कैसा रास्ता होता है, आप लोग खुद कभी आए होंगे एक्टिविटी करने तो आप लोगों को पता ही होगा जंगल का रास्ता। तो फ़िलहाल अभी हम उस जंगल में ना, आपने देखा होगा कि हड्डियाँ कैसे दिखी मुझे, और बाकी देखो यहाँ पे कपड़े वपड़े भी दिख रहे हैं, ये देखो गाइस किसी के कपड़े दिख रहे हैं। जब बाघ ने खींचा होगा ना, कुछ हुआ होगा एक्टिविटी, तो उस चक्कर में क्या पता कपड़े वपड़े फट गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये देखो लोकेशन कितनी ख़तरनाक है, आदमखोर बाघ जो कहते हैं ना यार, भैया बहुत डेंजरस लोकेशन है यार। और हम इसी लोकेशन में आगे को चल रहे हैं, जहाँ पे बाघ का मतलब एक छन्ना टाइप का है इस जगह पे, जहाँ पे बाघ आ सकता है कहते हैं। और अभी मैं कुछ ऐसा नहीं कहता हूँ कि बाघ आ सकता है, क्या पता वहाँ बाघ बैठा हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो आप ब्लॉग को ना अभी से लाइक कमेंट शेयर कर दो, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ख़तरनाक होने वाला होगा। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा यार कि जंगल के थोड़ा सा अंदर आते ही हमें हड्डियाँ दिख गई थी, तो सोचो यार कितना मतलब अभी ये ब्लॉग कितना ख़तरनाक होने वाला होगा। बाकी ये देखो अभी कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे बरसात होगी ना, तो यहाँ पे तालाब टाइप का बन जाएगा, एक मतलब बाढ़ टब टाइप का बन जाएगा उन बाघों के नहाने के लिए। और आगे से आप देख सकते हो कॉलिंग की आवाज़ें आने में लगी हैं, ये देखो गाइस देख दो कॉलिंग की आवाज़ें। और मतलब ऐसी लोकेशन ना बाघ हमेशा सेलेक्ट करता है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि बाघ ऐसी लोकेशन देखता है जहाँ पे उसके रेस्ट करने के लिए हो जाए पेड़ के नीचे छाया, और यहाँ पे उसके पानी का हो जाए। तो मतलब बाघ के तो चांद मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब मज़े ही मज़े आ जाएंगे, बल्ले बल्ले कह सकते हैं जिसको हम। तो गाइस ये देखो सामने से कॉलिंग की अभी तक आवाज़ें आ रही थी, बट अभी ये देखो आप जंगल देखो ना कितना, ये देखो मेरे चारों तरफ देखो आप जंगल कितना ख़तरनाक है, और आपको किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होगी, खाली मेरी आवाज़ आ रही होगी या पीछे से किसी जानवर की कॉलिंग की आवाज़ आ रही है, ये देखो कॉलिंग की आवाज़ें भी ना गाइस बहुत आ रही हैं जंगल के अंदर, क्योंकि अब बाघ कोई भी जानवर होगा ना वो बताने लग गया होगा कि भैया हमारे घर में कोई आ चुका है, या तो इसको भगाओ या इसको ख़त्म करो। और गाइस देख दो आगे रास्ता कितना ख़तरनाक, कितना हरा भरा जंगल होगा, कभी भी कोई भी इस पेड़ के नीचे भी अगर बाघ बैठा होगा ना, तो हम लोगों को पता नहीं लगेगा कि मतलब कि आप बाघ तो एकदम ना पूरा ऐसे करके छुप के पूरा अच्छे से मतलब छुप जाता है। तो आप समझ सकते हो, ये देख दो झाड़ियाँ कितनी ख़तरनाक हो रही हैं,
यहाँ पे देखो, सामने देखो हमारे, ये देखो, इधर देखो, यहाँ पे बाघ छुपा हुआ है, पता लगेगा आप लोगों को। ये देखो, कहीं पे भी पता नहीं लगेगा गाइस, इतनी ख़तरनाक सी लोकेशन है ना ये। तभी कहते हैं यार गाइस, मतलब जंगलों में कभी आओ ना, या कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जंगल सफारी कर रहे हो, कुछ भी कर दो, तो मतलब अच्छे से आओ, सिक्योरिटी के साथ आओ, और जो उनकी होती है एक्टिविटी वो करवाते हैं उसी के साथ आओ। ये नहीं कि अपने मन से गाड़ी से उतर गए या कुछ भी करा, क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था, गाड़ी से कोई उतर गया था तो उसको बाघ घसीटते हुए ले गया था। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाकी गाइस आप देख ही देखो यार, ये जंगल कितना ख़तरनाक है। ये देखो मेरे सामने भी आप देख लो, और बाकी पीछे से जो आ रही है ना आवाज़ें आ रही हैं कॉलिंग की, अभी दिखा दूँ, देखो आप सुनना। और जंगल आप देख ही तो यार कितना अच्छा पता होता है, और इस जंगल के हरे भरे जंगल का राज यही होता है कि जितना हरा भरा खूबसूरत जंगल होगा ना, उतना ख़तरनाक होगा। क्योंकि भैया जानवर को भी, जब जानवरों को लगता है कि यार अब तो झाड़ियाँ बहुत ऊपर हो गई हैं, तो उसको लगता है कि जंगल अभी अंदर बहुत है, तो रोड के किनारे भी चले जाता है, तो उसको पता नहीं लगता है कि वो हमेशा यही सोचता है कि यार मैं तो जंगल के पास ही हूँ, जंगल में ही हूँ, बट वो रोड के पास आ चुका होता तो यहाँ पे से देखो फिर से कॉलिंग की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको पता नहीं लगता है गाइस। इसलिए कहते हैं ना, कभी भी आप जंगलों में आओ तो मतलब या तो पहले कुछ अपने साथ लेके चलो, औजार, डंडा अंडा, मतलब ऐसे कोई औजार नहीं, खाली मतलब एक डंडा लेके, क्योंकि डंडे से भी थोड़ा अपनी सेफ्टी हो जाएगी। उसी चक्कर से कोई भी जानवर होगा तो वो थोड़ा भागेगा, डरेगा आप लोगों से, बट आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो आपको देख के अटैक करेगा सीधे, या तो आपको उसको भी वो अटैक इसलिए करेगा, उसको लगेगा यार ये तो मेरे ऊपर ना अटैक कर दे, इसलिए वो आप पर अटैक कर देगा पहले ही। तो तभी कहते हैं यार, कोई भी जानवर हो या इंसान हो ना, उसको जहाँ पर खतरा लगता है तो वो अटैक करता ही करता है। आप लोग भी करोगे, हर कोई करता है। बाकी आप देख ही दो यार गाइस, यार कैसी झाड़ियाँ होती हैं, इन झाड़ियों में बाघ नहीं होगा तो कौन होगा यार। अगर यहीं पर, ये देखो गाइस, यहीं पर बाघ बैठा होगा ना, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा, और कोई आएगा उस पर डायरेक्ट अटैक कर देगा। और बाकी देख लो कॉलिंग की आवाज़ें कैसी आ रही हैं, ये देखो, ये पता नहीं कौन से जानवर होते हैं जो दिखते भी नहीं हैं, बस आवाज़ें आती हैं। मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई बस जंगल में। और बाकी देखो गाइस, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है जंगल के अंदर, देखो वहाँ पे पूरे चील चील घूम रही हैं। देखो गाइस, कहते हैं ना यार, चील तभी घूमती हैं जब कुछ हुआ होता है, या किसी कोई जानवर ने मारा होगा, या कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा यार, वरना ऐसे चील नहीं घूमती हैं, वो भी एक साथ इतने झुंड में तभी घूम रही हैं कि भैया कुछ ना कुछ जंगल के अंदर एक्टिविटी हुई है पक्का आज, या तो कोई बाघ जानवर को मार के लाया होगा, गाय भैंस किसी को भी ला सकता हो, या किसी इंसान को भी मारा हो, क्या पता हो, तो बाद में अपडेट होती है ना जानकारी, जब पेपर वेपर में आएगी तभी हम लोगों को भी पता लगेगा। क्योंकि अब उस तरफ को मुझे लग ही रहा है कि यार ज़्यादा रिस्की है जाना, देख लो आप ऊपर ही देखो आप, जैसे चील वील घूमती है ना गाय, तब आप समझ जाया करो कि मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुई है जंगल के अंदर। तो यही होता है यार, तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, अपनी सेफ्टी से आएँ और हमेशा सेफ्टी से जाएँ, क्योंकि ऐसी लोकेशन है कुछ भी हो सकता है। बाकी आप ये देखो सामने हमारे, इतना घना जंगल है, कोई भी जानवर आ सकता है। बाकी एक बात की कहानी जो है ना, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, जब एक दो तीन झुंडों में जंगली जानवर आए थे, तो वो अपना ऐसे ही घूम रहे थे, तो एक इंसान मतलब वहाँ पे था, साइड से छुपके से देख रहा था उनको, तो एकदम कोई बड़ा सा जानवर आया, उसने मतलब बाद में देखा कि वो बाघ था, बड़ा सा जानवर आया उनको, उन एक बड़े से इतने मतलब इतने बड़ी जानवर होगा कोई, उसको घसीटते हुए ले गया, मतलब बाघ के पंजों में जो ताकत होती है ना गाइस, वो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ताकत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी ताकत होती है। तो गाइस बाकी देख लो कॉलिंग की आवाज़ ना ऐसी आ रही ना, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जानवर मेरे आगे पीछे मेरे साथ ही चल रहा है, अब क्या पता मेरे पीछे चल रहा हो, कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, वो कैमरे में आप लोग देख ही लोगे। तो गाइस यही है था, और बाकी जंगल तो आप लोगों ने देख ही लिया कितना सुनसान है। बाकी आप देखो है ये, अब गाइस यार चील यहाँ पे भी आने लगी है। गाइस मैं तो अब यही कहूँगा कि अभी जंगल से निकलने का फ़ायदा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रोड के किनारे पहुँच चुका हूँ जिस लोकेशन, भाई सर के ऊपर चील घूम रही है,
इसका मतलब कुछ तो अब यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे से भी निकलने का फ़ायदा लग रहा है मुझे गाइस। ये देखो यहाँ पे भी कपड़े हैं, देखो गाइस, ये देखो गाइस, वो देखो, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था ना कि वो इंसान आया था, वो यहाँ पे रेस्ट करता था, वो देखो उसकी दादी, तो यहीं पे उसने रेस्ट भी करा था और इसी लोकेशन में। और जब जानवर ले गया तो उसको फिर क्या ही कह सकते हैं, जब अटैक हो जाता ना फिर तो कुछ नहीं कह सकते यार। तो ऐसी ही आप लोग ना गाइस कभी भी जंगल में ना आए, और आएँ तो सेफ्टी के साथ आएँ। बाकी मैं भी अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलने का फ़ायदा है, क्योंकि चील अब मेरे ऊपर को आने लग गई हैं। क्या पता कुछ यहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटी होने वाली हो जो ख़तरे से खाली ना हो। तो मैं भी अब सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने की, क्योंकि अब देखो कॉलिंग की आवाज़ें भी कम हो गई हैं, तो इसलिए मुझे भी अब ऐसी लग रहा है कि ख़तरा है यहाँ पर। तो अब सीधे यहाँ से चलते हैं गाइस आगे को, और आप लोगों को, तो गाइस अब मैं भी चलता हूँ यहाँ से, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे ब्लॉग को, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, आपको ब्लॉग जैसा भी लगा होना कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम हम उससे भी अच्छा बनाएंगे और अच्छी अच्छी लोकेशन में जाएंगे। और आप लोगों को कुछ ऐसा पता हो लोकेशन जहाँ पे मतलब ऐसी एक्टिविटी होती हो तो आप लोग हमें बताएं, हम उस जंगल में जाएंगे और आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे वहाँ जाके। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ दिल से सपोर्ट करना, और लाइक और कमेंट पक्का करके जाना यार, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर दो गाइस। प्लीज़ यार, लोग ब्लॉग देखते हैं पर लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है गाइस। प्लीज़ लाइक कमेंट करना। ओके गाइस, अभी के लिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, बाय।